हेलो एवरीवन मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको मिलता है 100 परसेंट एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ क्लास तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बड़ा ही ईजी सा चैप्टर है ठीक है तो लेकिन इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर दो नंबर तीन नंबर के तो वो आपको यहाँ पर बहुत स्कोरिंग हो जाता है बस आपको एक बार इसको इस चैप्टर से गो थ्रू करना है ठीक है कुछ भी बहुत ऐसा मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पूरा अच्छे से समझ लिया अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी को बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा उनको एनालाइज करना ठीक है तो उसके एनालिसिस के रिगार्डिंग हम लोग जो भी डिटेल्स हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें पता है क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स ठीक है और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अब इन सब चीजों का इन सब स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आता है क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज़ का कि भाई जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको एनालाइज करने की ठीक है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दी गई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जानकारी है उसको सिस्टमैटिकली सिस्टमेटिक प्रोसेस के द्वारा हम एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे फिर जो हमारे डिसीजनस होते हैं वो बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं ठीक है कौन लेते हैं जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है इंटरनल यूजर्स भी होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसको भी क्लियर है ठीक है तो बेसिक समझ में आ गया द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तो भाई फाइनेंशियल एनालिसिस में आपका सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस नहीं होता है उसको इंटरप्रेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है तो फाइनेंशियल एनालिसिस में दोनों ही एनालिसिस भी आता है और इंटरप्रिटेशन भी आता है डेटा का या इंफॉर्मेशन का आ रहा है समझ में एग्जाम्पल एनालिसिस कंसर्न विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय प्रॉपर क्लासिफिकेशन ठीक है अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं सबसे पहले जैसे आपको बता दिया गया कि भाई आपका जो है साढ़े तीन सौ नंबर आए टोटल ठीक है थ्री फिफ्टी मार्क्स आपके टोटल आए हैं पांच सब्जेक्ट का टोटल मिला के आउट ऑफ फाइव हंड्रेड सौ नंबर का एक पेपर था ठीक है तो ऐसे 500 में से आपका टोटल साढ़े तीन सौ आया है ये आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेश एक डेटा दे दिया गया है एग्जाम्पल ठीक है अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भूल जाते हैं या हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं अब क्या ये डेटा आपको आपके लिए उतना रेलिवेंट है या उतनी क्लैरिटी आपको दे पा रहा है अरे भाई साढ़े तीन सौ नंबर तो आए हैं ठीक है लेकिन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए ये तो कोई बता दे हमें ठीक है फिर इसीलिए हमारे रिपोर्ट कार्ड में किस तरह से दिया जाता है कि भाई मैथ्स में इतने आए ठीक है इकोनॉमिक्स में इतने आए इंग्लिश में इतने आए ठीक है अकाउंट्स में इतने आए इस तरह से पांचों सब्जेक्ट का आपको दे दिया जाता है समझ में आ रहा है जैसे एक और ले, ले लेते हैं चलो बिजनेस में इतने आए ठीक है तो ये फाइव सब्जेक्ट जो है इनका आपको टोटल आपका 350 आ रहा है और हर सब्जेक्ट में कितना दिया हुआ है तो ये क्या कर दिया है ये बेसिकली क्लासिफाई कर दिया है इस साढ़े तीन सौ नंबर का क्लासिफिकेशन कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं और पांचों सब्जेक्ट का टोटल मिला के फिर आपका क्या आ रहा है 350. समझ में आ रहा है तो यहीं पर इसी तरह से फाइनेंशियल डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत सारे न्यूमरस ठीक है तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको प्रॉपरली क्लासिफाइड फॉर्मैट में हम लोग हमें क्या होता है फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा ठीक है तभी क्या करते हो जितने भी खर्चे हैं जितनी भी इनकम है वो कहाँ भेज देते हैं पी में जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसको कहाँ भेज देते हैं हम हमारी बैलेंस शीट में ठीक है और उसका भी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में आ रहा है समझ में कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम लोग पूरा क्लासिफाई करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आपका कैश फ्लो कितना हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना हो रहा है तो आप देख रहे हो कितने सिस्टमैटिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर चीज़ का क्लासिफिकेशन दिया होता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि भाई फाइनेंशियल पोजिशन क्या है असेट्स लाइबिलिटीज कितने कितने हैं इस कंपनी के पास समझ में आ रहा है तो इसी तरह से ये आपका सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपने साढ़े तीन सौ नंबर को क्या कर लिया क्लासिफाई कर लिया ठीक है तो एनालिसिस इज कंसर्न विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा जो फाइनेंशियल डेटा इतना सारा होता है उसको सिंप्लीफाई करके उसको हम क्लासिफाई करते हैं गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई प्रॉपर क्लासीफिकेशन ठीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमें डेटा दिया उसको हम प्रॉपरली क्लासीफाई करके उसको एनालिसिस करते हैं समझ में आया इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल डेटा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसको इसी एग्जाम्पल को लेते हैं अब यहाँ आपने क्लासीफाई कर लिया अब सपोज यहाँ पे आपके अकाउंट्स में आ गए सौ नंबर ठीक है जो मैं चाहती हूँ कि आपके आए लेकिन सपोज इंग्लिश में आपके कितने आए पचास नंबर ही है मैथ्स में आपके कितने आए मैथ्स में आप बस बाउंड्री पे पास हो गए चालीस नंबर है ठीक है समझ में आ रहा है तो अब आपने यहां पर आपको क्या दिखेगा कि भाई अकाउंट्स में तो मैंने अच्छी खासी मेहनत की है ठीक है लेकिन मैंने इंग्लिश में मेहनत कम की मैथ्स में मेहनत में कम की मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि इसमें भी मैं फुल स्कोर कर सकूं ठीक है तो आप अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करोगे इंटरप्रेट कर रहे हो बेसिकली ठीक है कि इसमें इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं मेरे ठीक है रीज़न ढूंढोगे समझ में आ रहा है तो बस वही है नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले आपने क्या किया क्लासिफाई किया और उसके बाद उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो यह आपका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस इसी तरह से होता है सबसे पहले क्या करते हैं जो कॉम्प्लेक्स डेटा दिया है फाइनेंशियल इन्फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको हम क्या करते हैं उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं और एनालिसिस होता है और फिर इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल डेटा का जो हमें फाइनेंशियल डेटा गया है उसका मीनिंग या सिग्निफिकेंस क्या है रेलिवेंस क्या है ठीक है क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका इंटरप्रिटेशन तो बस ये एक बेसिक्स था आपका जो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग आपको समझना था क्लियर हो गया तो पहले इतना नोट कर लो जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट वाले रजिस्टर निकालो और उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट लिखते जाओ तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको क्लियर हो गया कुछ भी नहीं होता सिस्टमैटिक प्रोसेस है हम जो फाइनेंशियल है उसको एनालाइज करने का सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हमें फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है ताकि हम उसके बेसिस पे इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें और फाइनेंशियल एनालिसिस में आपका एनालिसिस भी आता है और इंटरप्रिटेशन भी आता है ठीक है क्लियर हो गया इतना चलो नेक्स्ट टूल्स टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अब देखो यहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्यों क्या है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है वो मीनिंग तो हम समझ गए बट उसको करने के लिए हमें क्या टूल्स चाहिए क्या टेक्निक्स चाहिए ठीक है इसमें से मैं आपको बोलूंगी कि आप ऑलरेडी दो टेक्निक्स तो पढ़ चुके हो ठीक है ये आपको चार टेक्निक्स दी गई है देखो क्या कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स बना लो कॉमन साइंस कॉमर्स साइंस स्टेटमेंट्स बना लो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री में हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइंस स्टेटमेंट्स को बहुत डिटेल में इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा ऑलरेडी ठीक है रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर जो हमने पढ़ा है ठीक है ये आपका क्या होगा या आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हो ये भी आपका क्या है टूल या टेक्निक है ठीक है उसके बेसिस पर याद है हम अलग अलग टर्न ओवर रेशियोज़ निकालते थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालते थे और उससे हम जज करते थे कि अच्छा ये कंपनी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है आ रहा है समझ में ठीक है क्लियर हो रहा है इतना तो रेशियो एनालिसिस आप पढ़ चुके हो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बधाई हो ये भी आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर फाइव ठीक है तो हम एनालिसिस अना, करते थे कि अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमारा इतना कैश फ्लो आ रहा है ठीक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर हमारा नेगेटिव आ गया कैश फ्लो दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है आ रहा है समझ में तो इस तरह से आप एनालाइज कर रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में भी क्लियर हो रहा है तो ये चार टूल्स या टेक्निक्स हैं क्या क्या कंपेरिटिव स्टेटमेंट्स कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ठीक है रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स रेशो एनालिसिस आप पढ़ चुके हो चैप्टर फोर में डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर फाइव में पढ़ चुके हो और कम्पेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये हम चैप्टर नंबर थ्री में बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें बेसिकली क्या होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करोगे बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का और इसमें वर्टिकल एनालिसिस करोगे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बहुत सिंपल है ठीक है अभी इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ठीक है क्लियर हो गया तो ये भी जल्दी से नोट कर लो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या थे इसमें कंफ्यूज नहीं होना टूल्स एंड टेक्निक्स में आपको क्या लिखना है कंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये कुछ टूल्स हैं हथियार हैं जिनके जिनकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है ऐसा समझो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को करने के क्या क्या तरीके हैं टाइप्स हैं ठीक है आया समझ में तो ये आप अभी देखोगे या कैटेगरीज बोल सकते हैं इसको हम क्या होते हैं तरीके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के एक्सटर्नल एनालिसिस होता है इंटरनल एनालिसिस होता है हॉरिजोंटल या डायनामिक एनालिसिस होता है वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस होता है ठीक है तो ये याद रखना हॉरिजोंटल या डायनामिक वर्टिकल या स्टैटिक ठीक तो है तो नामकरण उन्होंने कर दिए एक ही चीज के अलग अलग तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है डायनामिक एनालिसिस बोलेंगे मतलब हॉरिजोंटल बोल रहे हैं स्टैटिक एनालिसिस बोल रहे हैं मतलब वर्टिकल एनालिसिस बोल रहे हैं। आया समझ में तो चार एनालिसिस हो गए क्या इंटरनल एक्सटर्नल वर्टिकल ठीक है याद हो गया इतना अब एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करेगा एक्सटर्नल लोग मतलब कौन बाहर वाले ठीक है तो मैं यहां पे लिख रही हूं बाहर वाले तो बाहर वाले लोग जो है वो एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे ठीक है तो इट इज कंडक्टेड बाय आउटसाइडर्स ठीक है एक्सटर्नल एनालिसिस कौन कंडक्ट करता है जो बाहर वाले लोग हैं बाहर वाले लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वाले एक्सटर्नल पार्टीज जो है ठीक है आउटसाइडर्स जो है जिनके पास जो डिटेल्ड रिकॉर्ड है एंटरप्राइज के उसका एक्सेस नहीं होता है उनके पास किस चीज का एक्सेस होता है क्या आपके पास डिटेल्ड एक्सेस है टाटा का टाटा के पूरे अकाउंटिंग और हर चीज का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं है तो आप क्या हो गए आप बाहर वाले हो गए टाटा के लिए ठीक है रिलायंस के लिए बाहर वाले हो गए आ रहा है समझ में तो बाहर वाले कंडक्टेड बाय आउटसाइडर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड देयरफॉर उनको किस पर डिपेंड करना पड़ता है जो उनकी बैलेंस शीट और जो पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं जो वो कंपनी खुद पब्लिश करती है आपको उसी पर अपनी आपकी डिपेंडेंसी रहेगी उसी के बेसिस पर आपको अपने एनालिसिस करना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा आ रहा है समझ में तो यहाँ पर कंडक्टेड बाय आउटसाइडर्स जिनके पास जो है डिटेल रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होता है इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं उसी पर क्या करते हैं रिलाई करते हैं सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज मेड बाय कौन कौन करता है भाई इन्वेस्टर्स लेंडर्स क्रेडिटर्स गवर्नमेंट एजेंसीज रिचर्स रिसर्च स्कॉलर्स ठीक है ये सारे लोग ऐसे हैं बैंकर्स जो बैंक वगैरह इनको लोन देने का सोच रहा होगा वो भी एक्सटर्नल पार्टी होगा ठीक है तो जितने भी बाहर वाले व्यक्ति हैं मतलब एक्सटर्नल यूजर्स हैं यही समझ लो वो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं समझ में आ गया इतना सिंपल अब इंटरनल एनालिसिस कौन करेगा जो घर वाले लोग हैं आ रहा है समझ में जो इंटरनल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज कौन मैनेजमेंट ठीक है तो इंटरनल एनालिसिस कौन करेगा कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट हु हैव एक्सेस टू अब इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है ठीक है क्योंकि इन्हीं के थ्रू पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं आ रहा है समझ में तो यही लोग प्रिपेयर करते हैं तो कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट हु हैव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन एंड ऑपरेशनल एफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब ये कौन करता है मैनेजमेंट करता है इंटरनल एनालिसिस किस लिए करता है ताकि वो अभी क्या ऑपरेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उस कंपनी की उस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एफिशिएंटली काम चल रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है पोजीशन क्या है ये सारी चीज़ इंटरनली पता करने के लिए वो लोग इंटरनल एनालिसिस एनालिसिस करते हैं ठीक है देरफोर ये एनालिसिस जो है ये ज़्यादा डिटेल्ड होता है एक्सटेंसिव होता है और एक्यूरेट होता है क्यों क्योंकि इनके पास पूरी पूरी जानकारी है पूरी डिटेल्ड इंफॉमेसन का एक्सेस होता है मैनेजमेंट के पास क्योंकि ये घर वाले व्यक्ति हैं क्योंकि आपके घर में क्या चल रहा है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन तो आप ही को पता होगा बाहर वाले लोग सिर्फ वही देख सकते हैं जो आप दिखाओगे उन्हें आ रहा है समझ में ठीक है तो यहाँ पर इसलिए इंटरनल एनालिसिस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल्ड और एक्सटेंसिव होता है समझ में आ गया तो एक्सटर्नल एनालिसिस इतना याद रखो आउटसाइडर्स करते हैं कौन कौन इन्वेस्टर्स लेंडर्स क्रेडिटर्स गवर्नमेंट एजेंसीज उनके पास पूरा एक्सेस नहीं होता डिटेल रिकॉर्ड्स का ठीक है तो वो किस पर बेसिस किसके किस पर डिपेंडेंट होकर करते हैं पब्लिश अकाउंट्स पर यहीं पर इंटरनल एनालिसिस जो घर वाले व्यक्ति दैट इज मैनेजमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ठीक है क्यों ताकि वो ऑपरेशनल एफिशियंसी पता कर पाए उनकी कंपनी की ठीक है और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजिशन पता कर पाए समझ में आ रहा है और ये जो एनालिसिस होता है ये बहुत डिटेल्ड क्यों? एंड क्योंकि उनके पास पूरा डिटेल्ड पूरा होता है एक्सटर्नल एनालिसिस तो और वर्टिकल एनालिसिस ठीक है इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में बट अभी आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लो एनालिसिस या एनालिसिस किसको बोलते हैं दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ठीक है इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं शोज कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेकेंड सेवरल ईयर्स अगेंस्ट द चोजन बेस ईयर तो एक बेस ईयर होता है उसके अगेंस्ट सेवरल ईयर को कंपेयर किया जाता है ठीक है यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो ये यूजफुल होता है ट्रेंड एनालिसिस के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए समझ में आ रहा है तो इसको इस तरह से समझ लो जैसे मैंने आपको अभी शुरू में मार्क्स वाला एग्जाम्पल दिया था मैं मार्क्स वाला ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ सपोज टेंथ में ठीक है यहाँ पर हम छोटा सा लिख लेते हैं टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सपोज आपके इकोनॉमिक्स में ठीक है इको में टेंथ में मार्क्स कितने आए सपोज सिक्सटी मार्क्स आए ठीक है थीके? फिर इलेवेंथ में आपने मैग्नेट ब्रेन से पढ़ना स्टार्ट किया तो आपके मार्क्स बढ़ गए अस्सी हो गए और आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे और इस तरह से आपने ट्वेल्थ में कितना स्कोर कर लिया नाइन्टी सिक्स समझ में आया ठीक है तो ये इको के आपके मार्क्स का क्या कर रहे हैं हम हॉरिजोंटल एनालिसिस हॉरिजोंटल लाइन दिख रही है इसको ऐसे इमेजिन करो हॉरिजोंटल लाइन मतलब ऐसा तो ऐसे में कंपैरिजन इसका मतलब याद है जब हम बैलेंस शीट और वो हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस चैप्टर में तो हम प्रीवियस लाइन प्रीवियस ईयर के भी एक कॉलम देते थे ताकि हम कंपेयर कर पाए इस साल का और करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का ठीक है तो वो क्या कर रहे हो आप हॉरिजोंटल एनालिसिस कर रहे हो ठीक है समझ में आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तीनों सालों में आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको आप आपस में कंपेयर कर रहे हो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ठीक है इसीलिए बोला गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स ये जो आपका एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर नंबर ऑफ ईयर्स किया जाता है ठीक है इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक कोई चोजन बेस ईयर ले लेते हैं उसके हिसाब से हम फिर बाकी को बाकी सालों को कंपेयर करते हैं इसको अभी और डिटेल में आप समझोगे अगले चैप्टर में ठीक है बट इतना समझ में आया तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एनालिसिस समझ में आ गया अब वर्टिकल एनालिसिस क्या होगा ऐसा वर्टिकल ठीक है तो इसका मतलब क्लियरली आपको एक बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं ये सेम ईयर के आइटम्स का ही कंपैरिजन है ठीक है अगर आप बैलेंस शीट को कम या प्रॉफिट एंड लॉस को आप सोचो ठीक है इमेजिन करो तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप एक साल टू 12-13, इलेवन 13 थर्टीन फोर्टीन ऐसे तीन साल के आप चीजों को कंपेयर कर रहे हो कि अच्छा ये खर्चा इतना था अभी इतना हुआ अभी इतना हुआ ठीक है आप वर्टिकल में आप क्या कर रहे हो ध्यान से तो वर्टिकल में जैसे आप सब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं अकाउंट्स इको, बिजनेस इंग्लिश मैथ्स ठीक है तो यहां पर जैसे आपके अकाउंट्स में कितने आए सपोज 90 आए ठीक है इको में आ गए आपके 96 ठीक है बिजनेस में आ गए आपके 95 इंग्लिश में आ गए आपके 50 और मैथ्स में आ गए आपके 40 नंबर समझ में आया तो ये आपका सपोज ट्वेल्थ का स्कोर है ये सिर्फ हम ट्वेल्थ का देख रहे हैं ठीक है अभी टेंथ इलेवेंथ को भूल जाओ हम बड़े हो गए अब जो है वो ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ के हमारे मार्क्स मैटर करते हैं तो ट्वेल्थ के मार्क्स हम देख रहे हैं अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख रहे हो एनालिसिस कर रहे हो कि अच्छा सबसे कम मेरे किस्में आए हैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा मेरे किस्में आए हैं ईको में आ रहा है समझ में तो आप क्या कर रहे हो वर्टिकली एनालिसिस कर रहे हो कंपैरिजन कर रहे हो समझ में आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस तो दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर ओनली तो यहाँ पर आप दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तीन साल को कंपेयर कर रहे थे तीन साल के मार्क्स यहाँ पर आप सिर्फ एक ही साल बारहवीं के ही सारे सब्जेक्ट्स का आपसी कंपेरिजन कर रहे हो समझ में आ रहा है इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं तो ये याद रखना हॉरिजॉन्टल टाइम सीरीज एनालिसिस होता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है यूजफुल इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ द सेम टाइप और डिविजन और डिपार्टमेंट्स इन वन एंटरप्राइज ठीक है तो एक ही एंटरप्राइज के बहुत सारे अलग अलग डिविजन होते हैं जैसे रिलायंस वाले जो हैं वो आपको क्या आप बेच रहे हैं वो आपका आपको सिम भी बेच रहे हैं आ रहा है समझ में वो लोग आपको कपड़े भी बेच रहे हैं वो लोग आपको वेजिटेबल्स भी बेच रहे हैं तो उनकी बिजनेस का अलग अलग सेगमेंट है आ रहा है समझ में तो इस तरह से उनके अलग अलग सेगमेंट्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो सेम वर्टिकल एनालिसिस के द्वारा समझ में आया इसको आप डिटेल में और देखोगे जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी इतना कॉन्सेप्चुअली समझ में आया तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है बाहर वाले इंटरनल एनालिसिस करते हैं घर वाले हॉरिजॉन्टल डायनामिक एनालिसिस मतलब ऐसा वाला एनालिसिस ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ अलग अलग ईयर्स में आप कंपैरिजन करते हो ठीक है सेवरल ईयर्स में और वर्टिकल क्या होता है ऐसा मतलब फॉर वन ईयर ओनली आप अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हो आपसी एनालिसिस करते हो आइटम्स का समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कर लो और यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल एनालिसिस तो ये जो हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखे हैं इसमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी ठीक है तो इसका एक बार डिफरेंस देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है चांसेस हैं ठीक है तो डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल एनालिसिस अब यहां पर इसको हम हॉरिजोंटल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं डायनामिक भी बोलते हैं ये याद रखना हमेशा वर्ड इसका अदर नेम है ठीक है इसी तरह से वर्टिकल का अदर नेम क्या है स्टैटिक ठीक है तो यहां पर सबसे पहले क्या बोला है पीरियड तो बताओ जल्दी से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम दो या उससे ज्यादा सालों के बीच में कंपैरिजन करते हैं ये एग्जांपल को हमेशा याद रखना ईको के मार्क्स को आपने टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ तीनों सालों में कंपेयर किया समझ में आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स दो या दो से ज्यादा सालों का जो डेटा है हम वो क्या करते हैं कंपेयर करते हैं इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन पीरियड अब यहाँ पर क्या किया था वर्टिकल एनालिसिस में हमने सिर्फ ट्वेल्थ के मार्क्स को जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको उनका आपसी कंपेरिजन किया था ठीक है तो ये हो गया आपका रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन पीरियड आ रहा है समझ में कंपोनेंट्स और आइटम्स इट डील्स विद सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स यहां पर क्या हुआ था सिर्फ और सिर्फ इको सब्जेक्ट का था सेम आइटम था लेकिन साल अलग अलग था इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक का इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ का समझ में आ रहा है तो आइटम सेम है बट साल अलग है तो वही चीज बोल रहे हैं कि डील्स विद सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स और यहां पर क्या हो जाएगा डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड तो बारहवीं ट्वेल्थ के ही आपके सारे सब्जेक्ट्स के हैं तो अलग अलग आइटम्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन साल कौन सा है सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ ठीक है तो इट डील्स विद डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड एक ही पीरियड के अलग अलग आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं वर्टिकल एनालिसिस में आ रहा है समझ में इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स ठीक है ये मैं भी आपको समझा दूंगी तो आपको आ जाएगा समझ में तो बस इतना याद रखो अभी कि एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स दोनों में ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और वर्टिकल एनालिसिस जो है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के टर्म्स में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आ रहा है समझ में तो जो बस मैं अंडरलाइन कर रही हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रख लें यूजफुलनेस इट इज जनरली यूज फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस ठीक है तो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है और इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं ठीक है स्टेटमेंट्स तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट और वर्टिकल एनालिसिस हम करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में ये अभी हम चैप्टर नंबर थ्री में और अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आ रहा है तो इसी तरह से अब ये जो एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज वाला इसको हम एक, एक से समझ लेते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं एनालिसिस ठीक है आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो ना भी करो तो चलेगा क्योंकि चैप्टर थ्री में आप इसको वैसे ही बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए ये चीज कर रही हूँ चलो तो असेट साइड्स अभी हम सिर्फ असेट साइड को ले लेते हैं बैलेंस शीट में ठीक है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आपके क्या क्या आइटम्स हैं सिर्फ तीन ही आइटम्स हैं सिंपल रखते हैं मशीनरी है फर्नीचर है और स्टॉक है बस ये तीन चीजें हैं ठीक है और दो साल ले, ले लेते हैं 2021, 2022, ठीक है अब यहां पर देखो जरा तो मशीनरी सपोज हमारा कितना था एग्जाम्पल मान लो एक लाख था 2022 में हमने और मशीनरी खरीदी तो अब टोटल मशीनरी हो गई दो लाख की ठीक है फर्नीचर सपोज हमारा था दो लाख ठीक है हमने और फर्नीचर खरीदा 2022 में तो हमारा फर्नीचर हो गया चार लाख का आ रहा है समझ में स्टॉक सपोज हमारा था कितना थ्री लाख था ठीक है हमने और स्टॉक खरीदा सपोज अब हो गया हमारा फोर लाख का आ रहा है समझ में तो ये अभी आपने दो साल के आपके कंपेरेटिव फिगर्स हो गए आ रहा है समझ में तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम ऐसे कंपेरिजन करते हैं ठीक है तो इसलिए यहां पर इसको आप जैसे नाम दे दो ए इसको दे दो बी अब यहां पर आपका सी क्या हो जाएगा बी माइनस ए बी माइनस ए मतलब क्या कर रहे हो कि अच्छा इस साल की मशीनरी कितनी थी पिछले इस साल कितनी है पिछले साल कितनी थी तो कितना चेंज आया है मशीनरी में ठीक है तो दो लाख माइनस एक लाख कितना हो गया एक लाख फर्नीचर चार लाख था लाख है और पिछले साल था दो लाख तो कितना डिफरेंस आ गया लाख का ठीक है, तो है, तो तो दो है दोनों सालों के बीच में इसको आपने निकाल लिया अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा परसेंटेज वाला कॉलम ठीक है तो यहां पर आप डी में क्या निकालोगे परसेंटेज तो यहां पर क्या करोगे जैसे एक लाख का डिफरेंस है ठीक है तो यहां पर आपने बेस ईयर ले, ले लिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो वन लाख डिवाइडेड बाय वन लाख दैट इज सी डिवाइडेड बाय ए सी कॉलम को ए से डिवाइड करेंगे इंटू हंड्रेड तो आपका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा ठीक है तो एक लाख डिवाइडेड बाय एक लाख इंटू हंड्रेड कितना आ जाएगा हंड्रेड परसेंट आ जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है टू लाख डिवाइडेड बाय टू लाख कितना आ जाएगा ये भी हंड्रेड परसेंट आ जाएगा ठीक है वन लाख डिवाइडेड बाय थ्री लाख इन टू हंड्रेड यह कितना आ जाएगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आ जाएगा ठीक है तो मशीनरी आपकी सौ परसेंट से बड़ी फर्नीचर आपका सौ परसेंट से बड़ा स्टॉक आपका थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट से बढ़ा समझ में आ रहा है तो ये आपको दिखा दिया किसने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ने क्लियर हो गया इतना तो इसीलिए जो ये आपको बोला गया है क्या इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स तो ये आपका क्या हो गया ये आपका एब्सोल्यूट हो गया कि एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है ठीक है कंपेयर कर रहे हैं जब हम मशीनरी को उसके पिछले साल से फर्नीचर को उसके पिछले साल से स्टॉक को उसके पिछले साल से तो एब्सोल्यूट फिगर्स कितने आ गए और परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है वो भी आपने निकाल लिया तो यहाँ पर एब्सोल्यूट और परसेंटेज दोनों ही तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसमें हॉरिजोंटल एनालिसिस में समझ में आ गया अब यहीं पर यहीं पर अगर हम ले लें वर्टिकल एनालिसिस तो इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा अब वर्टिकल एनालिसिस में सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर हम ले लेते हैं असेट्स ठीक है तीनों असेट्स मशीनरी फर्नीचर, स्टॉक अब यहां पर सिर्फ आप एक साल का ही लेते हो तो हम लेटेस्ट ईयर 2022 का ले लेते हैं तो 2022 में मशीनरी थी दो लाख फर्नीचर था चार लाख और स्टॉक था चार लाख ठीक है तो टोटल कितना हो गया ये आपका टेन लाख तो बस अब इस टोटल का कितना परसेंटेज मशीनरी है तो टू लाख डिवाइडेड बाय लाख कितना हो गया? ट्वेंटी परसेंट है ठीक है फर्नीचर कितना है फोर लाख डिवाइडेड बाय टेन लाख फोर्टी परसेंट स्टॉक कितना है फोर लाख डिवाइडेड बाय टेन लाख फोर्टी परसेंट ठीक है तो इस तरह से यह आपने निकाल लिया टोटल कि टोटल दस लाख रुपए जो टोटल असेट्स है टोटल असेट्स में मशीनरी कितना परसेंटेज है बीस परसेंट है टोटल असेट्स में फर्नीचर कितना परसेंटेज है चालीस परसेंट है ठीक है तो आप ऐसे एनालाइज कर रहे हो और यहाँ पे आप ऐसे एनालाइज कर रहे हो ठीक है तो इसको हम क्या बोल देते हैं कंपेरेटिव कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं ठीक है और यहां पर हम क्या बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं इसका भी आप और अच्छे से फॉर्मेट देखोगे अगले चैप्टर में बट अभी ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल समझा दिया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के टर्म्स में ही आपका चेंज दिख रहा है ठीक है यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में ही दिखेगा समझ में आ रहा है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस समझ में आया है एक ठीक है जल्दी से नोट कर लो और यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ टॉपिक प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि प्रोसेस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का तो इसमें चार हेडिंग्स याद रखना इसके अंदर जो चीजें वो आपको अपने ओन लैंग्वेज में लिखनी है ठीक है मैं एक बार समझा देती हूँ जल्दी से रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है तो बेसिकली क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इतनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ठीक है उसका उसको हम प्रॉपरली रीअरेंज करते हैं क्लासीफाई करते हैं ठीक है ताकि वो बेटर वे में हम अंडरस्टैंड कर सकें एक्सप्लेनेबल हो ठीक है और जो कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए रीअरेंज या क्लासीफिकेशन करते हैं हम सबसे पहले फिर सेकेंड स्टेप क्या आएगी कि अब आप क्या करोगे कंपेरिजन करोगे ठीक है चाहे वो हॉरिजोंटल वे में हो या वर्टिकल वे में हो जैसा भी हो बट आप कंपेरिजन करोगे ठीक है उसके बाद कंपेरिजन के बाद आप क्या करोगे एनालिसिस करोगे करो कि अच्छा ठीक है कैसा था क्या था परफॉर्मेंस हमारा एंड देन उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करोगे कि अच्छा हमारा जो ये परफॉर्मेंस रहा है ये कैसा रहा है कहाँ कमी रह गई कहाँ बेटर हो सकता था क्या अब बेटर करना चाहिए ठीक है तो बस एक बेसिक सा प्रोसेस है क्या करना है सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करना है फाइनेंशियल डेटा को इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज करना है फिर क्या करना है उसके बाद उसको कंपेयर करना है फिर एनालाइज करना है फिर इंटरप्रेट करना है तो बड़ा सिंपल है ये ठीक है तो प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझ में आ गया चलो नेक्स्ट पर्पस ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार हम लोग बस गो थ्रू कर लेते हैं इन सारे टॉपिक से इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें ऑलरेडी आता है सबसे पहले हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंस से पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करने का पहला पर्पस है ताकि हम अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को असेस कर सकें वही कि भाई कितना आपका अर्निंग कैपेसिटी है क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही क्या आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा उसको हम असेस कर सकें पहला मोटिव दूसरा पर्पस क्या है असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी तो हमारे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने कितनी एफिशिएंटली परफॉर्म किया ठीक है मैनेजमेंट ने कितनी एफिशिएंटली परफॉर्म किया और कहाँ कहाँ इनफिशियंसिज रह गई ठीक है ये सब हम यहाँ पर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं ठीक है देन असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी मतलब जो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कितनी प्रॉम्प्टली पे कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जैसे टर्म लोन लिया है बैंक से डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली प्रॉम्प्ट पेमेंट रीपेमेंट किया है कि नहीं ठीक है ये सारी चीज़ें भी हम असेस कर सकते हैं उससे ठीक है तो उससे क्या होगा जो एक्सटर्नल यूजर्स होंगे ठीक है जैसे बैंक हो गया वो देखेगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ठीक है क्रेडिटर्स हो गया वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखेगा क्रेडिट वर्दिनेस देखेगा तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाएंगे कि अच्छा इसको इसको हमें उधारी पे चीज़ें देनी है या नहीं देनी है या इसको हमें लोन देना है या नहीं देना है समझ में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही असेस कर पाएंगे कि हमारी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितनी है इंटर इंटरफॉर्म कंपेरिजन इंटर फॉर्म कंपेरिजन का मतलब क्या है कि भाई मेरी कंपनी है सेम स्टैंडर्ड्स में सेम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में कोई दूसरी कंपनी है जैसे आपकी क्लास में आपका एक फ्रेंड है या आपकी एक फ्रेंड है समझ में आ रहा है तो आपको सारे टीचर्स सेम आपके सारे टीचर्स सेम थे हर सब्जेक्ट के ठीक है सब ने सेम तरीके से पढ़ाया है सबको सेम नोट्स मिले हैं सबको सेम बुक्स मिली हैं उसके बाद आपके मार्क्स और आपके फ्रेंड के मार्क्स में क्या डिफरेंस आ रहा है और क्यों डिफरेंस आ रहा है ठीक है उसी तरह से क्या करते हैं इंटरफॉर्म कंपेरिजन इंटरफॉर्म मतलब मेरी कंपनी ये है ए है और एक बी कंपनी है जो सेम इंडस्ट्री में बी कंपनी ऑपरेट करती है तो मैं अब कंपेयर करूंगी कि अच्छा ठीक है इन्होंने यहां यहां क्या परफॉर्म सेम उन्होंने सेम प्रोडक्ट वो भी बना रहे हैं सेम प्रोडक्ट मैं भी बना रही हूं तो उनका क्या क्या खर्चे आ रहे हैं मेरे क्या क्या खर्चे आ रहे हैं उनके ये खर्चे कम क्यों आ रहे हैं मेरे खर्चे ज्यादा क्यों आ रहे हैं या वाइसा वर्सा जो भी चीज़ है ठीक है तो इस तरह से आप प्रॉपर इंटरफॉर्म कम्पेरिजन भी कैरी आउट कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के द्वारा ठीक है फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट तो किस चीज़ के लिए काम में आता है जैसे अभी मेरी क्या एफिशिएंसी रही या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके बेसिस पे मैं फोरकास्ट कर सकती हूँ कि अब फ्यूचर में आने वाले सालों में किस तरह से परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है या होगा क्या अर्निंग कैपेसिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा बजट बनाते हैं ठीक है कि अच्छा हमें इस 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 पर्टिकुलर एरिया में कितना कितना खर्चा करना है आ रहा है समझ में कितना कॉस्ट कटिंग करनी है तो इस तरह से पूरा बजट प्रिपेयर होता है तो उसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है तो क्या क्या पॉइंट्स थे अर्निंग कैपेसिटी प्रॉफिटेबिलिटी पता करने में असेस करने में मदद करता है दूसरा मैनेजरल एफिशियंसी असेस करने में हेल्प करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोलवेंसी ऑफ द एंटरप्राइज असेस करवाता है इंटरफर्म कंपेरिजन एंड फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स ठीक है तो ये दोनों टॉपिक्स देख लो एक बार और कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार आप रीड कर लेना इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको आप एग्जाम में आता है तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है क्या क्या होता है जल्दी से एक बार देख लेते हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस ठीक है तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं सिक्योरिटीज को एनालाइज करने में हेल्प करता है सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है किसी भी कंपनी के शेयर्स ठीक है या जो भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है बेसिकली किसी भी कंपनी में ठीक है तो इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि भाई उन्होंने जो पैसा लगाया है वो कंपनी के साथ सेफ है या नहीं सिक्योर्ड है कि है या नहीं सही जगह उनका पैसा लगाया गया है या नहीं कंपनी के द्वारा और उनको प्रॉपर उस पर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं और उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो हो रहे हैं या नहीं आ रहा है समझ में उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है या नहीं तो ये सब कुछ सिक्योरिटीज एनालिसिस में होता है तो प्रोसेस बाय विच द इन्वेस्टर कम्स टू नो वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग हिज एक्सपेक्टेशन तो जो भी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी फर्म क्या वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रही है विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड टाइमली देकर कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है एंड उसका मनी सिक्योर सिक्योर्ड है या नहीं ठीक है तो ये आपका हो जाएगा सिक्योरिटीज एनालिसिस में क्रेडिट एनालिसिस में क्या होगा यूजफुल होता है ये जब एक फर्म ऑफर कर रही है क्रेडिट टू न्यू कस्टमर और अ डीलर ठीक है तो कई बार क्या होता है कि कोई नया कस्टमर आया तो उसको आपकी कंपनी ने बोला कि अरे चलो आप पहली बार हमारा फ्री में प्रोडक्ट यूज करके देखो ठीक है तो क्रेडिट एनालिसिस वो सब चीजें करते हैं कि अगर फर्म किसी को क्रेडिट दे रही है उधारी दे रही है तो उसका एनालिसिस करना ये आपका तब यूजफुल होता है ठीक है डेट एनालिसिस में यूजफुल होता है डेट एनालिसिस मतलब कि कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है कितनी उधारी ले सकती है लोन कितना सर पे बोझ कितना ले सकती है डेट कितना ले सकती है तो एनालिसिस इज डन बाय द फर्म टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी ठीक है कि कितना लोन ले सकती है और टाइमली रिपे कर सकती है ये सब आप डेट एनालिसिस में करते हो डिविडेंड डिसीजन तो भाई कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को इसका रिगार्डिंग डिसीजन आप लेते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से तो हेल्प द फर्म इन डिसाइडिंग अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड रेट क्या रहेगा ठीक है देन जनरल बिजनेस एनालिसिस में भी हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या आइडेंटिफाई द की प्रॉफिट ड्राइवर्स कि भाई जो हमारे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके प्रॉफिट profit को प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं ठीक है एंड बिजनेस रिस्क कहाँ कहाँ पर है इन ऑर्डर टू असेस द प्रोफिट पोटेंशियल और ताकि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है कंपनी का वो आप मैक्सिमम अचीव कर सको ठीक है तो ये हो जाएगा आपका जनरल बिजनेस एनालिसिस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको मदद करता है सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करने में क्रेडिट एनालाइज करने में डेट एनालाइज करने में डिविडेंट डिसीजन देने में एंड जनरल बिजनेस एनालिसिस करने में समझ में आ गया ठीक है तो ये हो गए आपके यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो इसमें से बहुत सारे तो वही सेम है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस हमने पढ़े हैं ठीक है हिस्टोरिकल एनालिसिस अब वही बात है हिस्टोरिकल एनालिसिस मतलब क्या कि भाई पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी हैं ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसके बेसिस पे हमारा अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ठीक तो है जो पास्ट की बातें हैं जो बीती बातें हैं लेकिन अब जो आने वाली बात हो, फ्यूचर की बातें हैं ठीक है उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती ठीक है लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो इंटरेस्टेड किस में होते हैं कि भाई कंपनी का फ्यूचर कैसा है ठीक है उसके बेसिस पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती पास्ट में कैसा परफॉर्म किया सिर्फ उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये क्या है लिमिटेशन है इग्नोरस प्राइस लेवल चेंजेस तो प्राइस में जो चेंजेस होते हैं ठीक है जैसे आज डॉ डौल, पहले डॉलर था साठ रुपये अब अस्सी रुपये हो चुका है तो जो आपका इन्फ्लेशन हो रहा है पैसों का रुपये रुप रुपीज़ का इन्फ्लेशन हो रहा है ठीक है उस चीज़ को वो नहीं लेता है कंसिडर नहीं करता है वो जिस कॉस्ट पे चीज़ों को रिकग्नाइज करते हुए चले आ रहे हैं उसी पर करते हुए चले आते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड तो भाई जितने भी हमारा क्या होता है पूरा क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम लिखते हैं ठीक है हर चीज़ की एक वैल्यू होती है मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग जब करते हैं तब तो, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं जैसे भाई मैनेजर्स की एफिशिएंसी क्या है आपका ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं आपसी ठीक है उस पर भी आपकी बहुत हद तक परफॉर्मेंस ओवरऑल डिपेंड करती है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इस पर फोकस नहीं करते वो तो सिर्फ क्वान्टिटी पर फोकस करते हैं ठीक है तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर करता है ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशल स्टेटमेंट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के खुद के अपने लिमिटेशन होते हैं ठीक है दे आर प्रोन टू बायसनेस या उनको बहुत इजिली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है तो उनकी कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही सही तरीके से नहीं बनाए होंगे तो जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने आप में ही कमी है तो इवेंचुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी कोई फायदा नहीं है वो भी आपको फॉल्स ही दिखाएगा जो भी एनालिसिस होगा वो ठीक है तो इसीलिए इट्स अ फर्स्ट फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अपनी लिमिटेशन है अपनी कमियाँ हैं उसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पर भी इफेक्ट आता है नॉट फ्री फ्रॉम बायस तो जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके कौन बनाता है जो अकाउंटेंट है ठीक है तो उससे वो बायसनेस से कुछ भी गड़बड़ कर सकता है गलतियां कर सकता है जानबूझ के इंटेंशनली भी मैनिपुलेशन कर सकता है तो इसीलिए आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री नहीं है बायस से आया समझ में वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस अब वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है जैसे कोई एस एल एम मैथड फॉलो कर रहा है डिप्रिसिएशन का कोई डब्ल्यू डी फॉलो कर रहा है तो जब आप इंटर फॉर्म कंपेरिजन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उतना इफेक्टिव नहीं होगा ठीक है उतना मीनिंगफुल नहीं होगा क्योंकि उस कंपनी उस की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये अपना अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं समझ में आ रहा है तो ये एक ये भी एक मेजर डिफरेंस है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को अफेक्ट करेगा जो विंडो ड्रेसिंग तो विंडो ड्रेसिंग को ऐसे याद कर लो कि भाई जब हम कोई शॉप में जाते हैं ठीक है तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें वो बाहर लगा देते हैं डिस्प्ले में ठीक है ताकि आप अट्रैक्ट होके उस शॉप में जाओ ठीक है भले अंदर कैसा भी सड़ा हुआ उनका स्टॉक हो गंदे कपड़े हों बिल्कुल अच्छा कलेक्शन नहीं हो लेकिन बाहर वो अच्छे अच्छे कपड़े लगा देते हैं ताकि आप अंदर जाओ और वो आपको कुछ ना कुछ क्या कर दें बेच दें इसी तरह से कंपनी भी क्या करती है कई बार मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऊपरी ऊपर लेवल पे बड़े ही अच्छे बड़े ही बढ़िया परफॉर्मेंस है सब कुछ अच्छा दिख रहा है ठीक है लेकिन अंदर सब कुछ घोटाला है ठीक है तो इस तरह से कई कंपनीज़ ये चीज़ें करती हैं कि वो विंडो ड्रेसिंग करती हैं ताकि वो और इन्वेस्टर्स को और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें ठीक है वो झूठा दिखावा करती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ठीक है लेकिन अंदर से वो कुछ भी सही नहीं होता है समझ में आ रहा है तो विंडो ड्रेसिंग का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसके कारण क्या होगा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे यूजर्स वो हमेशा क्या होगा गलत होगा क्योंकि उन्होंने दिखावा ही झूठा किया है समझ में आ रहा है आइडेंटिफाई सिम्टम्स अब देखो यहाँ पर क्या है सिम्टम्स आइडेंटिफाई करता है बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लेकिन उसका डायग्नोसिस नहीं करता है इसका मतलब क्या है जैसे आपने सिम्टम्स रिकग्नाइज कर लिया क्या रहे मुझे बुखार आ रहा है मुझे सर्दी है मुझे खांसी है मुझे गले में पेन हो रहा है ठीक है जैसे ये आपने सिम्टम्स रिकेग्नाइज कर लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सिर्फ सिम्टम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिर्फ सिम्टम्स रिकग्नाइज करता है लेकिन जब आप जब ये सारी सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डायग्नोस करता है कि भाई आपको वायरल हो गया है आ रहा है समझ में ठीक है तो अब यहाँ पर डायग्नोस क्या किसको करना पड़ेगा यहाँ पर मैनेजमेंट को बैठ के पूरा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि अच्छा ये ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के द्वारा पता चले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए लेकिन डायग्नोसिस की, की मेहनत जो है वो पूरी मैनेजमेंट को अपने दम पे करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद वो उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे ठीक है कि फ्यूचर में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे समझ में आ रहा है तो ये आपके सारे लिमिटेशन हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ठीक है तो हमने शॉर्ट में सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए इसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो एक बार बुक से अपना रीड भी कर लेना तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है हमने मेन सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं अब लास्ट एक देख लेते हैं हम सबको बड़े अच्छे से पता है पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कौन कौन सी पार्टीज भाई इंटरेस्टेड होती हैं एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं जैसे सबसे पहले तो मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होगा क्यों होगा क्योंकि भाई असेसमेंट ऑफ ओवरऑल एंड सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ताकि वो ओवरऑल बिजनेस की और सेगमेंट वाइज जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक ही कंपनी के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं सपोज एक सेगमेंट कपड़े बना रहा है एक सेगमेंट पूरा डेयरी प्रोडक्ट्स हैंडल कर रहा है समझ में आ रहा है तो इस तरह से मैनेजमेंट असेस कर पाए कि ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और सेगमेंट वाइज एफिशियसी क्या है परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा एंड उनको कंट्रोलिंग एंड सेल्फ एवैल्युएशन सेल्फ इवेल्यूएशन इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करेगा कि अच्छा हमारी कहाँ गलती रह गई हमने कहाँ अच्छा किया अब हमें अगली बार क्या ध्यान रखना है ठीक है तो मैनेजमेंट को इसलिए इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन को क्यों होगा बड़ा ही सिंपल है क्योंकि अगर भाई कंपनी ग्रो करेगी तो उनकी सैलरी भी ग्रो करेगी उनको बोनस मिलेगा ठीक है कंपनी की ग्रोथ के साथ उनकी भी ग्रोथ होगी समझ में आ रहा तो है तो इसीलिए एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस इंटरेस्ट होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है क्या प्रॉफिटेबिलिटी है ताकि उनको बोनस मिल जाए वेजेस मिल जाए सैलरीज मिल जाए और उनका भी ग्रोथ उस पर डिपेंड करता है ठीक है शेयर होल्डर्स ओनर्स या इन्वेस्टर्स ये क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई उनका पैसा जो है वो सिक्योर्ड है कि नहीं कंपनी के साथ वो ग्रो कर रहा है कि नहीं उस पर उनको प्रॉपरली रिटर्न मिल रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहेंगे तो इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स समझ में आ गया पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्टर्स बने नहीं है लेकिन सोच रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें अब उनका डिसीजन वो क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होंगे ताकि वो अभी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की और फ्यूचर क्या दिख रहा है उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं वो उसके बेसिस पे जज करेंगे और उसके बाद अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे कि उन्हें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है तो इंटरेस्टेड टू नो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजिशन एज वेल एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टू डिटर्मिन देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं ठीक है सप्लायर्स या क्रेडिटर्स क्या देखेंगे शॉर्ट टर्म सोलवेंसी देखेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अपनी मीट कर पा रही है कि नहीं कंपनी अपनी उधारियों को चुका पा रही है कि नहीं इतना इनके पास सफिशियंट फंड है या नहीं ठीक है तो सप्लायर्स ए क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो शॉर्ट टर्म सोलवेंसी ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स क्रेडिट वर्दीनेस कितनी क्रेडिट वर्दी है ये कंपनी ताकि वो उसके हिसाब से अपना एक्सटेंड करें क्रेडिट उधारी दें उस कंपनी को बैंकर्स एंड लेंडर्स जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखेंगे वो उसके लिए इंटरेस्टेड रहेंगे तो इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दोनों के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे इनफैक्ट ठीक है दैट इज एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन्स और डेट्स एंड इट्स रीपेमेंट तो जो लोन दिया है बैंक का इंटरेस्टेड रहेगा कि हमने इस कंपनी को लोन दिया है ठीक है तो हम देखना चाहेंगे कि भाई ये लंबे समय में लॉन्ग टर्म में हमें हमारा लोन वापस पूरा रीपे कर पाएगा प्लस इंटरेस्ट भी दे पाएगा टाइमली इंस्टॉलमेंट्स के साथ ठीक है तो ये सब चीज़ों के लिए बैंकर्स एंड लेंडर्स इंटरेस्टेड रहेंगे रिसर्चर्स क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे ताकि वो एनालाइज करें कि भाई इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ग्रोथ क्या है फाइनेंशियल पोजिशन क्या है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एंड उसके ऊपर कैरी आउट करें रिसर्च कि ओवरऑल आपकी कंट्री की ग्रोथ पर कितना इम्पैक्ट कर रही है ये कंपनी तो बहुत सारे अलग अलग तरह के रिसर्चर्स होते हैं जो अलग अलग रिसर्च कंडक्ट करते हैं ठीक है तो रिसर्चर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपनी खुद की रिसर्च कैरी आउट करने के लिए किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समझ में आ रहा है टैक्स अथॉरिटीज़ उनको तो टैक्स कलेक्ट करने से मतलब है वो तो चाहेंगे कि भाई ये कितना प्रॉफिट कमाया चलो उस पर हमें टैक्स प्रॉपर मिला है कि नहीं मिला है ठीक है तो इंटरेस्टेड इन इन्श्योरिंग की प्रॉपर असेसमेंट हो रहा है कि नहीं उनकी टैक्स लाइबिलिटी का उस कंपनी का जितना प्रॉफिट कमाया है उस पर प्रॉपर हमारा टैक्स कैलकुलेट करके हमें दिया जा रहा है कि नहीं ठीक है जो भी लॉज है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे वो वो रहेंगे क्योंकि भाई अगर सपोज मैं मैं सिर्फ कोलगेट कोलगेट का ही टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ तो मैं क्या चाहूँगी कि भाई जो कंपनी को, है कोलगेट वाले जो कोलगेट के टूथपेस्ट बनाती है वो लंबे समय तक चलती रहे ठीक है क्योंकि मैं तो फिर अगर वो बंद हो गई तो फिर मैं कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करूँगी समझ में आ रहा है तो इस तरह से कई कस्टमर्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक कंपनी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स पर तो वो चाहते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छा करती रहे कंटिन्यू होती रहे कभी बंद ना हो ताकि वो जिंदगी भर उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहे तो कस्टमर्स इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएस ऑफ एन एंटरप्राइज स्पेशली हु हैव लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट या डिपेंडेंसी तो जो लंबे समय के लिए इन्वॉल्व है डिपेंडेंट है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे या उनकी सर्विसेज पे वो चाहते हैं कि भाई कंपनी जो है एंटरप्राइज जो है वो कंटिन्यू होता रहे कभी भी बंद ना हो इसलिए वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंटरेस्टेड होते हैं तो समझ में आया ये सारी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब जल्दी से देख लो यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखा हमने लिमिटेशन देख लिया एंड पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया इस तरह से हमारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था ठीक है तो यहाँ से एक नंबर से लेकर तीन नंबर तक आने के चांसेस हैं इस चैप्टर से ठीक है जनरली एक नंबर का ही आता है बट आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका ठीक है तो ये एक बार देख लो जल्दी से हमने क्या क्या देखा हमने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग देखा फिर हमने टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखे फिर हमने टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखे फिर हमने हॉरिजोंटल वर्टिकल के बीच में डिफरेंस देखा ठीक है उसके बाद हमने प्रोसेस समझा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का फिर पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है यूजेस क्या है ठीक है तो पर्पस और यूजेस में कंफ्यूज मत होना दोनों अलग हैं लिमिटेशंस क्या है एंड पार्टीज़ कौन सी इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलिए तो इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है आई होप आपको अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थोरिटिकल चैप्टर था समझ में आ गया है फिर भी कोई डाउट हो दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें आज के लिए इतना ही बाकी के जो भी डिस्कशंस है वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन स्टेट यून गुड बाय